आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। न्यायिक आयोग को सौंपी हत्याकांड की जांच। प्रदेश सरकार ने माफिया अतीत अहमद और भाई अशरफ अहमद की हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व वाले आयोग में सेवानिवृत्त जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी और पूर्व DGP सुबेश कुमार सिंह सदस्य होंगे। आयोग को 2 महीने में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से पंजीकरण। 1 जुलाई से शुरू होने वाले 62 दिन की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। केजरीवाल से 9 घंटे में पूछे 56 सवाल। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति मामले में रविवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद घर पहुंचने पर केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा, जांच एजेंसी ने मुझसे 56 सवाल पूछे, मैंने उनके जवाब दिए। अलीगढ़ में कुत्तों ने डॉक्टर को नोचकर मार डाला। कोटद्वार में बाघ ने एक और बुजुर्ग की जान ली। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के बाघ ने एक बार फिर एक बुजुर्ग को निवाला बनाया। इस बार शिकार एक सेवानिवृत्त शिक्षक हुए, जिनका अधखाया शव घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में मिला। चमोली में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूटा। चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज मलबे से भरे ट्रक का वजन नहीं झेल पाया और टूट गया। रविवार शाम 6 बजे हुए इस हादसे से चीन सीमा क्षेत्र में सेना और सीमावर्ती 6 गांवों के ग्रामीणों की आवाजाही बंद हो गई है। अतीत हत्याकांड की जांच को आयोग गठित किया गया। प्रदेश के 5 शहरों में 200 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। तो प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात व प्रदूषण कम करने को परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाने जा रहा है। परिवहन विभाग 5 शहरों के लिए 200 बसों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने जा रहा है। CM धामी का सुरक्षा घेरा सख्त करने की सलाह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इंटेलिजेंस ने सुरक्षा के मानकों का सख्ती से पालन करने व सत्यापन के बाद ही आगंतुकों से मिलने की सलाह दी है। इस रिपोर्ट के बाद CM आवास, सचिवालय व मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे कर्मचारी। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर के रविवार को प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारी ने संवैधानिक मार्च निकाला। देहरादून में परेड ग्राउंड से कचहरी स्थित शहीद स्थल तक निकले मार्च में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। नैनीडांगा में सेवानिवृत्त शिक्षक को बाघ ने मार डाला। 10 किलोमीटर कैसे चलें इसलिए 5वीं के बाद घर बैठे। तो प्रदेश मुनस्यारी से खबर है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में धूमधाम से मनाया गया प्रवेशोत्सव। सुदूर मुनस्यारी तहसील की गांधीनगर गांव के बच्चों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया। यहां 5वीं पास करने वाले 7 बच्चे आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि गांव से जूनियर हाई स्कूल जाने के लिए रोज़ाना 10 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इतने छोटे बच्चों को जंगल के रास्ते स्कूल भेजने से वह डर रहे हैं और मुनस्यारी में किराए पर कमरा लेकर बच्चों को पढ़ाने की उनकी आर्थिक हैसियत नहीं है। प्रदेश में रविवार को 82 नए कोरोना संक्रमित मिले। तो प्रदेश में रविवार को 82 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें देहरादून जिले में सबसे अधिक 51 लोग संक्रमित पाए गए। लगातार संक्रमित मामले सामने आने से सक्रिय मरीजों की संख्या 294 हो गई है। कैबिनेट बैठक कल, कई प्रस्तावों पर होगा निर्णय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में निवेशकों अवस्थापना, नीति आयोग की तर्क पर थिंक टैंक सेतु, अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को 50% अनुदान पर 1 किलो नमक व 2 किलो चीनी देने के अलावा शिक्षा, गृह विभाग, कृषि, चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों की नियमावली में संशोधन समेत अन्य प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा बैठक खंडूड़ी CPA बैठक में भाग लेने जिलवाटर रवाना। तो
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी या भूषण राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कार्यकारी समिति बैठक में भाग लेने के लिए ब्रिटिश प्रवासी प्रदेश जिब्राल्टर में रवाना हो गई। महाराज ने पेट्रोल भत्ते में बढ़ोतरी के दिए निर्देश। 38 लाख बच्चों को खिलाएंगे कृमिनाशक दवा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 17 अप्रैल को प्रदेश भर में 1 से 19 आयु के 38 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी। कार्यक्रम के 14वें चरण की शुरुआत देहरादून के बीएस नेगी राजकीय इंटर कॉलेज गुजराड़ा में गुजराड़ा से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत करेंगे। उत्तराखंड में कल से फिर बिगड़ेगा मौसम। 19 के लिए ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार 19, 20 और 21 अप्रैल को मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ भी चल सकता है। 19 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को भी फसलों के लिए सचेत किया गया है। प्रदेश भर के लिए 18 से येलो अलर्ट रहेगा। रविवार को भी दून का अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा यानी 18.5 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में 18 अप्रैल से परिवर्तन देखने को मिलेगा। 17 को पहाड़ी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हज 24 अप्रैल तक जमा कराएं दूसरी किस्त। एम्स के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर खोला गया। पेंशन के लिए वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे। तो देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 50 से ज़्यादा कर्मचारी संगठनों ने किया प्रदर्शन। सीएम से वार्ता करें। कुमाऊं में भी कर्मचारियों ने की नारेबाजी। दून के युवक की गंगा में डूबने से मौत। तो मस्तराम घाट पर गंगा में युवक संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मैच आधे घंटे में ही सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक का शव बरामद किया। दून में डेयरी कर्मचारी को पीटकर मौत के घाट उतारा। तो मुस्लिम कॉलोनी कारगी में डेयरी कर्मचारी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। रात भर कर्मचारी का शव उसके बिस्तर पर पड़ा रहा। सुबह डेयरी के कामकाज शुरू होने पर उसके बिस्तर से खून टपकता मिला तो मामले का पता लगा। डेयरी मालिक ने मृतक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हत्या में डेयरी के दूसरे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। उधर केस में डेयरी मालिक का नाम भी मृतक के बेटे ने लिखवाया है। प्रेमनगर में महिला हत्याकांड में उलझी पुलिस। तो प्रेमनगर में वृद्धा मंजीत कौर की हत्या में पुलिस उलझती नजर आ रही है। 5 दिन बाद भी पुलिस हत्यारों के करीब नहीं पहुंच पाई। प्रेमनगर में बीते बुधवार को मंजीत कौर की हत्या का पता चला था। मंजीत कौर घर में अकेली रहती थी। एसपी सिटी सरदार डोभाल ने बताया कि हत्याकांड में जाँच जारी है। कई एंगल से जाँच चल रही है। केजरीवाल के समर्थन में दून में आपने दिया धरना। तो देहरादून के पंडित दीनदयाल पार्क में रविवार को आम आदमी पार्टी ने धरना दिया। बताओ आखिर किस काम की हैं देहरादून की ये ट्रैफिक लाइटें। तो शहर के कई चौराहे पर नहीं हो रहा है लाइट का पालन। कहीं बंद तो कहीं खराब पड़ी हैं। कुछ लाइटें दिखती नहीं हैं। दून में 54 केंद्रों पर CDS और NDA की परीक्षा हुई। तो रविवार को 54 परीक्षा केंद्रों पर CDS प्रथम व NDA व नेवल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा हुई। नोडल अधिकारी परीक्षा एवं SDM FR रामजी शरण शर्मा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को देहरादून जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर CDS प्रथम 2023 परीक्षा आयोजित की गई। प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर की जाएगी सीधी भर्ती। तो शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर भर्ती होगी। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसे राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। विभाग ने सहायक अध्यापक LT के खाली पदों पर भी भर्ती के लिए जिलों से जानकारी मांगी है। अधिकारियों के मुताबिक सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती चल रही है। शिक्षकों की सेवानिवृत्त एवं अन्य वजह से जो पद खाली रह जाते हैं उन पर भी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन खासकर पर्वतीय जिलों में स्कूलों में शिक्षकों की खासी कमी है। अधिकतर पर्वतीय जिलों में शिक्षकों के 25 से 30 पद
30% पद खाली हैं। जहाँ छात्र छात्राओं के पास सरकार की ओर से मिलने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकें अब तक नहीं पहुँच पाई हैं, वहीं पर्याप्त शिक्षक न होने से स्थिति और लड़खड़ा गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में प्रवक्ताओं के 3000 से अधिक और सहायक अध्यापक LT के 1300 से अधिक पद खाली हैं। इसके अलावा अधिकतर इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य भी नहीं हैं। हालांकि विभाग की ओर से प्रधानाचार्य के पदों को भरने के लिए नई नियमावली बनाई गई है, लेकिन इन पदों पर भर्ती अभी शुरू नहीं हो पाई। हाई कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हुआ अमल। तो हाई कोर्ट ने पर्वतीय जिलों में शिक्षकों के 70% से अधिक पद खाली पदों वाले स्कूलों में शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने इस आदेश पर भी अमल न करते हुए शिक्षकों की कमी से जूझ रहे पर्वतीय जिलों से शिक्षक मैदान में उतार दिए। तबादला एक्ट पर नहीं हुआ पूरी तरह से अमल। वहीं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सीमा जोनसारी का कहना है कि प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जबकि प्रधानाचार्य के 625 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सहायक अध्यापक LT के पदों के लिए भी आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए CUET आवेदन को 3 दिन शेष। हेमवंती नंदन बगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध सभी सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी PG के माध्यम से होंगे। देहरादून के 4 बड़े कॉलेज DAV, DBS, MKP और श्री गुरुराम राय PG कॉलेज में स्नातकोत्तर की करीब 1800 सीटें हैं। स्नातकोत्तर करने के इच्छुक छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक CUET PG के लिए आवेदन नहीं किया है, वह जल्द करें, क्योंकि अब केवल 3 दिन शेष हैं। अभ्यर्थी 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 54 केंद्र पर हुई NDA CDS की परीक्षा। अग्निवीर भर्ती की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से 2 में 5 केंद्र। अग्निवीर भर्ती के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पहली बार है जब शारीरिक परीक्षण से पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। गढ़वाल में देहरादून रुड़की व पौड़ी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 में 5 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। बता दें कि लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को भर्ती रैली के लिए निश्चित स्थानों पर बुलाया जाएगा। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में अवसर तो 17 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 14 असिस्टेंट लाइब्रेरियन एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक प्रोफेसर के 88 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। परमिट की शर्तों को विक्रम संचालकों का ठेंगा। तो रोक के बाद विभिन्न चौराहों पर विक्रम संचालक बैठा रहे फुटकर सवारियां। अम्बीवाला क्षेत्र चाय बागान घोषित नए निर्माण पर रोक। तो मास्टर प्लान 2041 में ग्राम पंचायत अम्बीवाला को पूरी तरह से चाय बागान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। गर्मी से राहत की तलाश। रविवार को 2 अधिकतम तापमान 37 डिग्री पहुंचने से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। इससे राहत पाने के लिए लोग सहस्त्रधारा में पहुंचे। रेफर कर नहीं लगाई मुहर, मरीज को 2 से गुरुग्राम के लगाने पड़े 2 चक्कर। कोरोना संक्रमितों को लगाना पड़ रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एक बार फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ने लगी है। ICU में भर्ती कई गंभीर मरीजों को यह इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग संभल कर करना होगा। तो रविवार को दून विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति बैठक के 2 दिन शैक्षणिक विषयों के साथ पर्यावरण व 21वीं सदी में भारतीय युवा पीढ़ी की भूमिका पर चर्चा हुई। सेंट जूड्स के नाम रही कैप्टस सेलम की ट्रॉफी। स्कूटर सवार युवक युवती को रोकने में इंस्पेक्टर घायल। तो स्कूटर सवार युवक युवती को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान स्कूटर को युवक ने दौड़ा दिया। उन्हें रोकने की कोशिश में इंस्पेक्टर डानवाला नंदकिशोर भट्ट सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उनके हाथ और पैर में कई जगह से छिल गए। वहीं इस दौरान स्कूटर सवार युवक युवती के भी गिरने पर चोट आई। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथ बैठी युवती को गिरफ्तार कर लिया।
ईद को मिलजुल कर मनाने की अपील। तो ईद पर्व के दौरान अमन शांति कायम रखने के लिए रविवार को DIG देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने मुस्लिम प्रतिनिधियों के संग बैठक की। देर रात तक खुले होटल ढाबे तो होगी कार्रवाई। क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में बीते दिनों हुए छात्रों के उपद्रव के बाद रविवार को पुलिस ने स्थानीय लोगों संग जनसंवाद किया। इस दौरान छात्रों के उपद्रव समेत कई तरह की समस्याएं सुनी। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.80 लाख रुपए ठगे। तो विदेश में नौकरी लगाने के झांसे में आकर एक युवती ठगी का शिकार हो गई। युवती को अमेरिका में तेल एवं गैस शिपिंग कंपनी में नौकरी का झांसा दिया गया। उसकी तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नॉकआउट अकेडमी ने जीते 15 गोल्ड। 100 लोगों को दिया गया जल प्रहरी सम्मान। जेट्स सेंट जूड्स बना ओवरऑल विजेता। नौकरी के नाम पर 3.5 लाख रुपए ठगे गए। टेलर की दुकान में लगी आग, सामान राख। तो देहरादून से खबर है, भंडारी बाग स्थित एक दर्जी की दुकान में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। 6 माह ब्रेक के बाद अब होंगे महापौर कोटे के विकास कार्य। भीड़ देख रोडवेज ने दिल्ली रूट पर बसें बढ़ाई। तो वीकेंड पर रविवार को दिल्ली रूट पर यात्रियों की भारी दबाव रहा। भीड़ को देखते हुए इस रूट पर बसों की संख्या बढ़ाए जाने के बावजूद भी सीटों को लेकर के मारामारी मची। श्री सिद्ध बलि मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पूर्व सैनिक 25 व 26 को तहसील में करेंगे प्रदर्शन। तो वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर के पूर्व सैनिक संघर्ष समिति से जुड़े पूर्व सैनिक 25 व 26 अप्रैल को तहसील में प्रदर्शन करेंगे। 2 लाख की आबादी की सुरक्षा 23 जवानों पर है। तो कोटद्वार से खबर आई है, दर्जी की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया। शराब के नशे में विवाह डेयरी कर्मी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। वाहन चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 बाइक बरामद हुई। विदेशी पर्यटकों ने 4 लोगों को डूबने से बचाया। तो थाना लक्ष्मण झूला अंतर्गत मस्तराम घाट पर 3 युवकों और 2 बच्चों को डूबते देख 2 विदेशी पर्यटकों ने गंगा में छलांग लगा दी। उन्होंने 2 बच्चों और 2 युवकों को बचा लिया। दून में आज भी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। तो दून में पिछले 3 दिन से लगातार 37 डिग्री के आसपास तापमान बना है। आज भी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल से 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। काम पर लौटे चालक, उठने लगा कचरा। 250 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण, 82 ने किया रक्तदान। 10 किलोमीटर दौड़ में प्रदीप ने मारी बाजी। उधम सिंह नगर बना ओवरऑल चैंपियन। कोरोना के बाद बच्चों में वयस्कों से 2 गुना ज़्यादा बन रही एंटीबॉडी। तो वायरस में म्यूटेशन के बाद भी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नहीं दिखा कोई असर। लगातार 4थे दिन 10,000 से ज़्यादा केस, 19 की मौत। तो कोरोना संक्रमण के मामले में फिलहाल कमी नहीं आ रही है। स्थिति यह है कि शनिवार को लगातार 4थे दिन देश में 10,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले। हनुमान जी की जन्मस्थली पर सियासत की जोरदार जंग, त्रिकोणीय मुकाबला। वहीं खबर आई है देहरादून से, 21 को CM से मिलेगा मोर्चा। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने बैठक में लिया निर्णय। कांग्रेस की अंतरकला पर बंद कमरे में पुनिया ने की चर्चा। तो ली क्लास सुबह से शाम तक विधायक जिलाध्यक्षों से अलग अलग बात की। महारा ने कहा, उम्मीद है आगे सब ठीक हो जाएगा। 4 धाम 4 चुनौतियां 4 इंतजाम। तो कोविड के बढ़ते मामले के साथ भीड़ प्रबंध, यातायात व्यवस्था होगी चुनौती। स्वास्थ्य सेवाओं से भी करना होगा सुधार। साधु संतों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। डेंजर जोन पर तैनात किए जाएंगे जवान। तो बद्रीनाथ हाईवे पर गोचर से बद्रीनाथ धाम तक ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य अंतिम चरण में है। यहाँ हाईवे कई जगह पर सुगम हो गया है, लेकिन हाईवे पर अभी भी ऐसे 18 डेंजर जोन हैं जहाँ वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आएगी। लोक सेवकों को अंबेडकर से प्रेरणा लेने की जरूरत। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में किया संबोधित।
तो लोक सेवकों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की जरूरत है, यह कहना है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। ड्यूटी में गैर हाजिर 67 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया। सीएम धामी ने 3 गांव घोषित किए पर्यटन स्थल, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागनाथ, मुंगानाथ, आषाढ़धात गांवों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हाथों सम्मानित हुए डॉक्टर जोशी। बाल विधानसभा का गैरसैंण में होगा 2 दिनी सत्र। अप्रोच सड़क का काम पूरा करें, तो कर्णपुर से खबर है सिमली में मोटर पुल बने 6 माह से अधिक हो गए हैं। रथी देवता धन सिंह का मेला 20 को, तो नई टीवी से खबर रही है। गंगोत्री धाम के आसपास भरल कर रहे चहलकदमी, लोगों ने ढाबखाला रेंज दफ्तर घिरा, तो कोर्ट और से खबर आई है। वन विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, हमला करने वाले बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग की। लेंसडाउन विधायक के सामने धमका बाघ, तो नैनी डांडा ब्लॉक के सिमली गांव में बाघ के हमले में वृद्ध सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत की सूचना पर बुंगी महोत्सव में शामिल होने गए लेंसडाउन विधायक दिलीप रावत गांव पहुंचे। वे घटना स्थल का मौका मुआयना कर ही रहे थे कि तभी हमलावर बाघ उनके सामने आ गया। सुरक्षाकर्मी ने हवाई फायर कर बाघ को भगाया। 100 गांवों में गुल रही बिजली, तो थाले से खबर आई है। प्रधानाचार्य के पद भरने की मांग की गई। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट मुकदमा, तो पौड़ी से खबर है। जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़ौड़ी के 3 नामजद व 4 छात्रों पर अपनी ही कक्षा के छात्र के साथ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 माह पूर्व बिछाया डामर उखड़ा, 5 उखड़ा, जाँच की मांग उठाई, तो पोखरी से खबर आई है। धौलधार डांगधार सड़क निर्माण की जगी उम्मीद, टापू पर फंसे व्यक्ति को बचाया, तो श्रीनगर से खबर आई है। अग्निवीर की परीक्षा देने वाले अगले सेमेस्टर में होंगे प्रमोट, तो छात्र संघ पदाधिकारियों से हुई विश्वविद्यालय प्रबंधन की ऑनलाइन वार्ता। युवाओं ने बैडमिंटन में दिखाई प्रतिभा। घोड़ा खच्चर संचालकों ने दोबारा पंजीकरण शुल्क देने से मना किया, तो जिला पंचायत गांव-गांव अभियान चलाकर पूर्व में ही ले चुका है शुल्क। केदारनाथ में 5,000 घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण कराया गया। ड्रेस में रहेंगे शटल सेवा के वाहन चालक। मई तक होटलों में महज 50% बुकिंग, तो यात्रियों की संख्या सीमित किए जाने पर होटल एसोसिएशन ने जताया आक्रोश। वही खबर है, जौलीग्रांट से यात्रा को दुर्घटना मुक्त करने का संकल्प लिया। हाईवे के डेंजर जोन पर तैनात होंगे जवान, यात्री ले सकेंगे स्थानीय आलू से बने चिप्स। तो हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु इस बार स्थानीय आलू से बने चिप्स का स्वाद ले सकते हैं। उद्यान विभाग के सहयोग से पुलना में एक व्यक्ति ने चिप्स बनाने की यूनिट लगाई हुई है। 1200 रुपये में पेट्रोल में कितनी गाड़ी दौड़ाएंगी जेई, तो वर्ष 2013 से नहीं बढ़ पाया पेट्रोल भत्ता। पीएससी और हेल्थ वेलनेस सेंटर भी टेलीमेडिसिन सेवा से जुड़ेंगे। लोक सेवा सेवकों को डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेने की जरूरत है। दूसरे चरण में सहायक नदियों का हो रहा कार्य। आयर के सदक परेशान की पारी पड़ी भारी, मुंबई ने जीता लगातार 2रा मैच, तो कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। किशन ने बनाए 25 गेंदों में 58 रन। वही खबरें, हरिद्वार से बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की कटौती छीन रही लोगों की चैन। मुनि की रेती में अतीक के गुर्गों ने डाली थी डकैती। शूटिंग में मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मेधावी छात्राओं को दिया पुरस्कार। हरकी पेड़ी क्षेत्र में अवैध दुकानें लगाने वाले पकड़े, तो हरकी पेड़ी क्षेत्र में नाम बदलकर दुकान लगाकर सामान बेचने वाले गैर हिंदुओं को श्रीगंगा सभा के पदाधिकारियों की ओर से पकड़ लिया गया। पेट बाजार ठेके के मामले में अधिकारियों को सौंपी रिपोर्ट। भेल कर्मचारियों के घर से लाखों की चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। लापता संत का सुराग नहीं, मामला अपहरण में तरमीम, तो नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला, संत की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं खबर है, हरिद्वार से माँ और बेटे ने करोड़ों रुपये की जमीन के नाम पर की धोखाधड़ी। शराब कांड में आरोपी ग्राम प्रधान बबली ने संभाला चार्ज। विदेशी भक्तों ने लिया कैलाशानंद से आशीर्वाद।
सीएम केजरीवाल को सीबीआई के समन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वही खबर है हरिद्वार से, जगजीतपुर में करंट लगने से कर्मचारी की मौत, हंगामा हुआ। कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया संवैधानिक मार्च। वही खबर है हल्द्वानी से, माननीयों को पेंशन तो हमें क्यों नहीं, तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने निकाला संवैधानिक मार्च। सुचारू संचालन न होने पर पर्वतीय उत्थान मंच की कार्यकारिणी भंग हुई। गर्मी से बेहाल हुए लोग, 19 से राहत की उम्मीद है। लखनऊ के होटल में मृत मिला हल्द्वानी का युवक। आंचल ने जिले के दूध उत्पादकों के लिए 2 रुपये बढ़ाए, तो नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ प्रबंध कमेटी ने नैनीताल जनपद के 30,000 दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य में 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। वही खबर है भवाली से, ब्रेक नहीं लगने से कैंटर खाई में गिरा चालक घायल, क्लीनर हुआ लापता। तो तल्ला रामगढ़ में रविवार तड़के 3 बजे हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रहा कैंटर अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा। सुनसान सड़क होने से अंधेरे में हादसे का पता नहीं लग पाया। सुबह स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से घायल चालक को मल्ला रामगढ़ CSC भेजा, जहां डॉक्टर जिया रावत ने प्राथमिक उपचार किया। खेरना बाजार में पेड़ गिरने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रिया बैंड के पास कार खाई में गिरी, 4 घायल, तो कालाडूंगी से खबर आई है। हाईवे पर लगाए रिफ्लेक्टर और सांकेतिक चिन्ह। पुराने वार्ड के 1258 लोग नहीं चुका रहे भवन कर। वही खबर, रामनगर से महिला वन दरोगा को दी जान से मारने की धमकी। काठगोदाम में घंटों जाम में फंसे रहे पर्यटक। कैची धाम में सफल रही पुलिस की यातायात व्यवस्था, तो कैची धाम में पुलिस प्रशासन की ओर से इस बार के सप्ताह में की गई यातायात व्यवस्था सफल हुई। वही खबर, नैनीताल से उमड़े सैलानी, गुलजार हुए पर्यटन स्थल। बिजली गुल, मोबाइल की टॉर्च जलाकर सड़कों पर उतरे लोग। फाटो जोन में अब 10 जिप्सियों से होगी दिन भर जंगल सफारी। मूल्यांकन ड्यूटी में गैर हाजिर 67 शिक्षकों को दिया नोटिस, तो बोल्ड मूल्यांकन ड्यूटी में गैर हाजिर 67 शिक्षकों को मुख्य शिक्षा अधिकारी KS रावत ने नोटिस जारी किया। सियाली में गोला नदी पर बनेगा पुल। आर्मी की बैरक में चल रहा केंद्रीय विद्यालय, तो छोटे कमरों में लगती हैं कक्षाएं, खेल मैदान की भी उचित व्यवस्था नहीं है। युवाओं ने बैडमिंटन में दिखाया हुनर। ट्रायल में 38 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। BEd प्रथम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी जल्द। स्नातक वर्षीय पद्धति की परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा कुमाऊं विश्वविद्यालय, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय इन दिनों स्नातक वार्षिक पद्धति की विद्यार्थियों की परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा है। शीघ्र ही उक्त पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा, जिसमें करीब 8,000 छात्री शामिल होंगे। आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति पहुँचेंगे प्रशासनिक भवन। वही खबर है पिथौरागढ़ से, हुंकार खुद तो पेंशन लेते हैं, हमको टेंशन देते हैं। वाइब्रेंट विलेज गुंजी में लगाया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। लंबे इंतजार के बाद सुखी डांग डांडा मिडार सड़क पर डामीकरण शुरू हुआ। मुंसारी कई होटल रिजॉर्ट में नहीं है CCTV, नोटिस जारी किया गया। अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 बाइक चालक घायल, तो टनकपुर से खबर आई है। पहाड़ी से गिरकर दादी पोती की मौत, तो झूलाघाट से खबर आई है। वहीं खबर है लोहाघाट में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 मजदूर चोटिल हो गए। बैतरी जिले में धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। काली नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, तो झूलाघाट से खबर आई है। चौकड़ी के जंगलों में धधकी आग, तो आग से प्रभावित हुए 1 हेक्टेयर वन संपदा। प्रेशर हॉर्न लगाने पर बुलेट सीज किया गया, तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। टैबलेट वितरण में जूनियर शिक्षकों से हो रहा भेदभाव, तो जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों ने टैबलेट वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़, शांति भंग करने पर 2 लोग गिरफ्तार किए गए। अब विद्यार्थियों की हर पुस्तक तक पहुँच होगी आसान, तो SSJ विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बना डेलनेट का सदस्य। पहले दिन बोर्ड की 4,500 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ। पेंशन के लिए सड़क पर उतरे कर्मचारी। अंधड़ और ओलावृष्टि से पॉली हाउस क्षतिग्रस्त, तो बागेश्वर से खबर आई है। 6 माह बाद भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की खराबी नहीं हो सकी दूर। 2 यूनियन की लड़ाई से परेशान रहे यात्री, तो साल्ट में बस संचालन को लेकर के KMU और कुमाऊं आदर्श मोटर आमने सामने आए।
खूबसूरत चिलियानोला को पर्यटन विकास की दरकार है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गांधी पार्क में गरजे कर्मचारी, तो रुद्रपुर से खबर आई है। घर वालों को बंद कर नकदी जेवर चुराया, तो रुद्रपुर से खबर आई है। आधी आबादी को कब मिलेगी पूरी आज़ादी, हादसे में बाइक सवार की मौत, हंगामा, तो भाजपुर से खबर आई है। भाजपुर में फिर दिखाई दिए तेंदुए के बच्चे, सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, तो खटीमा से खबर आई है। वहीं खबर है गदरपुर से, ट्रक और बाइक की भिड़न से 3 घायल हो गए। त्योहारों को लेकर के एसपी ने की बैठक, अब 18 तक चलेगा चैती मेला, तो 22 मार्च से शुरू हुआ था मेला, व्यापारियों ने प्रशासन से अवधि बढ़ाने की 20 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, तो वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार को लगने जा रहा है। यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण दुनिया के सीमित हिस्सों में दिखाई देगा। ट्रैफिक कंट्रोल करने को 3 जगह लागू होगा गेट सिस्टम। गंगोत्री यमुनोत्री में पथ प्रकाश व्यवस्था बदहाल हुई। 4 गांव होंगे पर्यटन क्षेत्र घोषित, तो मुख्यमंत्री, तो नागनाथ नागदेव मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। वही खबर है गोपेश्वर से, तूफान व ओलावृष्टि से सेब की फसलों को भारी नुकसान हुआ। राजस्व विभाग ने पकड़ी 6 पेटी शराब। वही खबर है नई टीम से पहले दिन 30 पैराग्लाइडरों ने प्रतापनगर से भरी उड़ान। कर्णप्रयाग में मिलेट क्रांति रैली हुई मुंदोली रवाना। सीयूटी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 3 दिन शेष रहे। पुनिया के सामने विधायकों ने खुलकर रखे गिले शिकवे। विश्व मेले में लोक नृत्यों की रही धूम, तो सही से खबर आई है। बावड़ी मेले में उमड़ी भीड़, जगह लगा जाम। गढ़वाल कमिश्नर ने बताई क्षेत्र की समस्याएं। वही खबर है विकास नगर से कूड़ा घर शिफ्ट कराने को देंगे धरना। महंगाई से जनता को कहीं का नहीं छोड़ा, तो लक्ष्मी, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोडवेज की सीएनजी बसों के डिजाइन से बुजुर्ग बेबस, दिव्यांग हापे। कुमाऊं घूमने के लिए पर्यटकों में उत्साह, जून तक टैक्सियां पैक हुई। बिना जाम में फंसे लौटे 2200 पर्यटक, तो हल्द्वानी से खबर है वीकेंड पर नैनीताल व कैची धाम आने वाले पर्यटकों को नहीं हुई परेशानी। बनियानाला में हर पल हलचल, पानी के रिसाव से पहाड़ी हो रही है कमजोर। सैलानियों की कार खाई में गिरी, 2 घायल, तो काला डूंगी से खबर आई है। निर्मल गंगा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही सरकार। भेदभाव पर फूटा छात्राओं का गुस्सा, तो पंतनगर से खबर है हॉस्टल में शाम को आने की टाइमिंग में भेदभाव व अन्य मांगों को लेकर के जीवी पंत विश्वविद्यालय के सुभाष हॉस्टल की छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए प्रदर्शन, तो बजट आवंटित नहीं होने से लोगों में आक्रोश है।